तो होता क्या है कि कभी कभी हमें ना भूख लगती है, तो हम क्या करते हैं, भूख लगती है तो हम लोग मंच करने की कोशिश करते हैं, तो बिस्किट खा लेते हैं, नमकीन खा लेते हैं, यू नो अगेन वो हेल्दी नहीं है आपके शरीर के लिए। तो आपको कुछ ऐसा सोचना पड़ेगा यू नो थोड़ा सा डिफरेंट, कि जल्दी आपका वो कुक हो और हेल्दी भी हो एट द सेम टाइम, तो क्या करोगे राइट। तो मैं आपको दिखाऊंगा आज एक बहुत ही ईजी टू मेक और बहुत ही हेल्दी रेसिपी, जिसका नाम है गार्लिक पनीर। ठीक है, गार्लिक पनीर है, कीटो रेसिपी है, क्योंकि इसमें कोई भी कार्ब्स नहीं है, जस्ट दी प्रोटीन एंड दी गुड फैट्स। ठीक है, तो कीटो रेसिपी है, कीटो लवर्स इसको फॉलो कर सकते हैं। दूसरा, अगर आपके घर में कोई यू नो छोटा मोटा गेट टुगेदर है, तो आप इस रेसिपी को एज अ स्टार्टर भी यूज़ कर सकते हैं। तो वो मैं आपको दिखाने जाऊँगा कैसे बनाते हैं, क्या प्रिपरेशन इसका मेथड है। मेरा नाम है नितिन गाइस, और आप देख रहे हो हेल्दी डिशेज, आपका अपना चैनल। तो चलते हैं मेरे किचन की तरफ। तो ठीक है, रोज की तरह हम चलते हैं अपने कर्मभूमि पे, जो हमारा किचन है, किचन ही हमारी कर्मभूमि है राइट। सो तो गार्लिक पनीर बनाने के लिए हमें चाहिए हमारा मेन इंग्रेडिएंट पनीर। ठीक है, मैंने ले लिया अराउंड 200 ग्राम्स का पनीर है। अब पहला स्टेप क्या करना है आपको, क्योंकि आपको अगर मैं दिखाऊँ ये ना थोड़ा सा सॉफ्ट नहीं है, थोड़ा टाइट है, ये देखिए राइट। सो इसे सॉफ्ट करने के लिए आपको पहला स्टेप क्या करना है, आपको पनीर को लेना है, एक बोल में डालना है, और इसके अंदर हम डालेंगे गर्म पानी। ठीक है, गर्म पानी डालेंगे, क्योंकि उससे क्या होगा वो बताऊंगा आपको मैं। तो ऐसा करके आप पनीर आपका पूरा ढक जाना चाहिए पानी से, गर्म पानी से इंश्योर करना। तो इस तरह से आप पानी डाल देंगे, और इसमें हम डालेंगे फिर थोड़ा सा नमक। अब इससे क्या होगा वो बता देता हूँ आपको मैं। इससे होना ये है कि पनीर एक तो आपका सॉफ्ट होगा बहुत ही, 15 से 20 मिनट हम इसको भिगाने जा रहे हैं या इस गर्म पानी में, और इससे क्या होगा आपका पनीर सॉफ्ट होगा, और जो इसका नमक है वो अच्छे से पनीर के अंदर घुस जाएगा। तो जैसे ही क्या कहते हैं 15-20 मिनट होंगे, मैं इसको पानी से निकालूंगा, और पानी से निकाल के फिर इसको हम लोग पीस करेंगे, उसके बाद इसको हम करेंगे मैरिनेशन इसका, और वो देखेंगे कैसे करते हैं राइट। तो 15 मिनट हो चुके हैं पनीर को भिगाए हुए गर्म पानी में, अब देखते हैं क्या सिचुएशन है उसकी। तो ये देखिए, अगर आपको इसको दिखाऊं तो ये देखिए इतना आसानी से ये दब रहा है, यू नो जैसे प्रेस हो रहा है, देखिए ये देखिए, तो ये बहुत ही सॉफ्ट हो गया है। ठीक है, तो बेस्ट टाइम टू टेक इट आउट नाउ, जिसके पानी हम लोग फेंक देंगे और इसको हम लोग निकाल लेंगे अपने बोर्ड में, और इसे आप पीस कर लीजिए इसके बाद। तो पीस आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कैसे पीस चाहते हो, छोटे चाहते हो या बड़े चाहते हो, इट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन यू। तो मैं आपको दिखा देता हूँ एक आइडिया के लिए कैसे पीस आप काट सकते हो। थोड़ा फ्लैट काटिएगा, सो दैट वो आराम से पक जाएं अच्छे से या अच्छा दिखें राइट। तो इस तरह से आप इसके पीसेस काट सकते हो। तो ये सारे पीस काट लीजिए, इसको आप छोटा भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से आप छोटा भी कर लीजिए, छोटा भी करके देख लेते हैं। ठीक है, कुछ बड़े कर लेते हैं, कुछ छोटे कर लेते हैं। तो ये मेरे पीस कट गए हैं, और अब हम इसका बनाएंगे मैरिनेशन। तो मैरिनेशन के लिए हमको क्या क्या चाहिए मैं आपको दिखा देता हूँ। हमको चाहिए 1 टीस्पून के बराबर लाल मिर्च, ठीक है, उसके बाद हमको चाहिए गार्लिक यानी कि लहसुन, आप लहसुन का पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे मैं कर रहा हूँ लहसुन का पेस्ट यूज़ कर रहा हूँ राइट, आपके पनीर की क्वांटिटी के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर आपके पास क्लोव्स हों, गार्लिक क्लोव्स हों, आप उसे भी इजीली क्रश करके इसमें डाल सकते हैं, और वो तो और भी बेहतरीन टेस्ट देता है, क्योंकि वो बहुत ही नेचुरल होता है। टेस्ट के लिए अगर डालना चाहते हैं तो थोड़ा सा किचन किंग या सब्जी में थोड़ा डाल सकते हैं, बट जस्ट फॉर टेस्ट, कम्प्लीटली ऑप्शनल, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ना। आप डालोगे नहीं डालोगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ना, ठीक है। एंड मेन इन्ग्रीडियंट इज दिस, ठीक है, ये है फ्रेश क्रीम, या बाज़ार के ले लीजिए, या आप अपने घर के जो मिल्क होता है, दूध होता है, उससे निकाल लीजिए। तो इसको अच्छे से मिलाएंगे, और उसके बाद इसको मिलाने के बाद जो मैरिनेशन होगा उसमें हम लोग अपने डालने वाले हैं पनीर। तो पनीर को हम लोग उसमें डालेंगे, अब देखिए इसका क्या कलर आएगा। तो ये देखिए मैरिनेशन रेडी है, इसमें आप आपने क्या मिलाया, मलाई मिलाई घर की, या फ्रेश क्रीम बाहर से मंगा सकते हैं। थोड़ा सा हमने इसमें मिलाया गार्लिक पेस्ट ओनली, गार्लिक क्लोव्स हैं तो वो मिला सकते हैं आप उसको क्रश करके, नहीं तो गार्लिक पेस्ट आप मिला सकते हैं आराम से।
और थोड़ा सा हम इसमें नमक डाल सकते हैं आपको अगर डालना है तो, लेकिन वो आप कम्प्लीटली आप ऑप्शनल है आप कितना नमक खाना चाहते हैं, क्योंकि हमने नमक डाला था ऑलरेडी जब हमने इसको गर्म पानी में सोक किया था अपने पनीर को, तो मैंने उन नमक डाला, तो थोड़ा सा नमक आप डाल सकते हो आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग, राइट। तो नमक डालने के बाद हम लोग सारे के सारे पीसेस को अच्छे से इसमें डुबो लेंगे और फिर उसको मैरिनेट करके हम कम से कम इसको रखेंगे 15 से 20 मिनट के लिए, ठीक है, सो दैट वो जो मैरिनेशन है अच्छे से इस पर चढ़ जाए और बहुत बेहतरीन आपको टेस्ट दे। तो इस तरह से देखो आप ऐसे करके मैरिनेट कर लीजिए अपने सारे पीसेस, तो ये आप ऐसे मैरिनेट करेंगे और उसके बाद जो इसका फ्लेवर होगा इस मैरिनेशन का सारे के सारे पनीर में आपके हो जाएगा। बहुत ही इजी रेसिपी है, ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स भी नहीं है, कुछ दो चार इंग्रेडिएंट्स हैं जो सबके घर में ऑलमोस्ट मिल ही जाते हैं, तो बहुत ही इजी टू कुक है और बहुत ही हेल्दी भी है एट द सेम टाइम, तो आप इसको बना सकते हैं, बनाइएगा ज़रूर और मुझे बताइएगा अपने एक्सपीरियंसेस कैसा आपको, कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा। तो ये मैरिनेशन देखिए इसका ऑलरेडी हो चुका है, ऑलमोस्ट हो चुका है, अब क्या करेंगे इसको हम लोगों ने, कम से कम 15 मिनट के लिए छोड़ना है, ऐसे ही 15 से 20 मिनट के लिए, सो दैट इसका मैरिनेशन अच्छे से पनीर के पीसेस में चढ़ जाए, उसके बाद हम इसको जाएंगे फ्राई करने, आपको दिखाऊंगा कैसे करना है, राइट। तो कीटो में बोल रहा हूँ आपसे, कीटो क्या होती है, कीटो डाइट क्या होती है, कीटो डाइट बेसिकली क्या होती है कि उसमें सिर्फ और सिर्फ फैट और प्रोटीन कंज्यूम किया जाता है, ठीक है, उसमें कोई कार्ब्स नहीं होते, सो कार्ब्स लेस जो डाइट है वो कीटो डाइट होती है, तो वही मैं बना रहा हूँ आपके सामने आज। तो अब चलते हैं अपने किचन में और देखते हैं मेरी रेसिपी कहाँ तक पहुँची है। तो ठीक है, ये 15 से 20 मिनट मैंने इसको मैरिनेट कर लिया है और आप देखिए इसका कलर अच्छे से इस पर चढ़ चुका है। अब हम इसको जा रहे हैं पैन में प्लेस करने। सो द वेरी फर्स्ट थिंग, बहुत ही नेचुरल, बहुत ही यूजुअल जो हम रोज करते हैं, आप देखते हो गैस ऑन करते हैं, तो गैस ऑन कर ली है और अपना पैन भी गर्म हो चुका है। हाँ, तो इसमें हम क्या डालने वाले हैं, आप घी भी यूज़ कर सकते हो अगर आपके पास बटर नहीं है, बट इट गोज वेरी वेल विद बटर, तो ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि पनीर में ऑलरेडी बहुत फैट होता है। सो जस्ट स्मॉल पीस ऑफ बटर अप्लाई कर लीजिए अच्छे से अपने पैन पे, और उसके बाद हम इसमें अपने जो पनीर के पीसेज हैं वो डालने वाले हैं इस पैन में, राइट। ठीक है, दिस इज ऑलमोस्ट रेडी, गर्म हो चुका है और पनीर डालने की तैयारी कर लेते हैं। तो ऐसे आप हाथ से उठाइए, हाथ आपको लगाने पड़ेंगे इसमें, थोड़ा सा ये करना पड़ेगा बिकॉज हाथ बिना लगाए ये अच्छे से पड़ेंगे नहीं आपसे। यू कैन ट्राई विद दी स्पून्स, बट मैं तो बेसिकली इसको हाथ से ही करता हूँ, क्योंकि जब तक हाथ अगर खाने में ना लगे तब तक बनाने का क्या मज़ा है। तो आप ऑलरेडी देख रहे हैं ये हॉट है पैन और हमारा पनीर पकने लगा है धीरे धीरे, तो आप सारे के सारे ऐसे प्लेस कर दीजिए। तो ये देखिए इस तरह से सारे हमने डाल लिए हैं अपने पैन में, और जो इसका मसाला था वो भी मैंने इस पर अप्लाई कर दिया सबके ऊपर थोड़ा थोड़ा, सो वी आर नॉट गोइंग टू वेस्ट दैट ऑब्वियसली, राइट। सो अब इसको हम लोग इस तरह से ही मीडियम टू लो फ्लेम में पकने देंगे और उसके बाद देखेंगे इसका क्या नज़ारा होता है। तो इसे 15 मिनट दीजिए आप और उसके बाद देखेंगे ये कैसे बनते हैं। तो देखिए 5 मिनट हमने इनको रखा था मीडियम फ्लेम पे, तो ये देखिए ये हो चुके हैं। अभी इसे आप पलट लीजिए अच्छे से सारे पीसेस को, जो ब्राउन टेक्सचर आप देख रहे हैं नीचे इसका, बस ये ही इसकी खासियत है, ये टेक्सचर आना बहुत ज़रूरी है, इसका मतलब है कि ये बहुत अच्छे से पक रहा है और इसका जो मैरिनेशन है वो बहुत अच्छे से इस पर चढ़ चुका है। तो सारे आप इस तरह से पलट लीजिए और इसको इस तरह से भी हम पका लेंगे हम अदर साइड। तो बस ये देखिए अब इसका जो अंदर पार्ट है नीचे वाला वो भी पक जाएगा, तो उसमें भी ये ब्राउन टेक्सचर जैसे ही आता है तो आप इसको हम लोग गैस बंद कर देंगे। तो मैं आपसे मिलता हूँ
तुरंत। तो बस ये देखिए इसका दूसरा पार्ट भी पक चुका है नीचे का तला, और अब इसको हम लोग निकाल लेते हैं अपने प्लेट में। बहुत ही शानदार बन चुका है, आप देख रहे हैं। ये देखिए इस तरह से आप अपने सारे पीसेस निकाल लीजिए, प्लेटिंग कर लीजिए। और इसमें अगर आपको कुछ एक्सेस आपका बटर दिखता है या आपका एक्सेस घी आपको दिख रहा है तो आप इस पर ऊपर से डाल सकते हैं इफ़ यू वांट इट, राइट। तो अगर आप उसको छोड़ना चाहते हैं आप उसको छोड़ सकते हैं इजीली, कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल लेना। तो इसमें ऑलरेडी गार्लिक की बहुत ही शानदार खुशबू और ये फ्लेवर आ रहे हैं। ये देखिए मैंने सारे निकाल लिए और मैं आपको इसको दिखाता हूँ इसका टेस्ट। तो हमारी रेसिपी तैयार है, कीटो रेसिपी। बहुत ही ईजी थी बनाने में, बहुत ही सिंपल थी, बहुत थोड़े से ही इन्ग्रीडियंट्स थे। ये देखिए कितनी शानदार ही बन चुकी है ना। तो ऐसे आप अपने घर पे बनाएं और उसके बाद आप बनाएं और मुझे बताना आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा। बहुत ही हेल्दी है, कीटो रेसिपी है, मतलब फैट्स हैं और प्रोटीन है, मैंने सबको बताया है। तो नाउ लेट्स टेस्ट इट, कर लेते हैं टेस्ट एक बार। आपको मैं दिखाता हूँ कैसा टेस्ट इसका है। एज यूजुअल अल्टीमेट टेस्ट, गार्लिक का जो एक फ्लेवर है बहुत ही शानदार है। पनीर अच्छे से बहुत ही सॉफ्ट है, हमने पहले इसको पानी में भिगाया था गर्म पानी में, तो उससे बहुत सॉफ्ट हो चुका है। तो यही थी आज की रेसिपी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करना, सब्सक्राइब आप कर नहीं रहे हो, देखते ज़रूर हो वीडियो लेकिन आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, प्लीज़ सब्सक्राइब करना। बहुत सारा प्यार चाहिए आप लोगों का मुझे। और टिल वी मीट अगेन, कीप कुकिंग। मैं इसे फिनिश कर लेता हूँ।